जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। अनुपूरक बजट के 7 कानूनों में संशोधन का विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है। बीजेपी विधायक अनुपस्थित रहे। अब फरवरी और मार्च के दरमियान सत्र का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विपक्षी दल भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी के बीच छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। इससे पहले सरकार ने 2108 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित करा लिया। वही 4 कानून संशोधन विधेयक को भी विधानसभा की मंजूरी मिल गई है। विधानसभा का अगला सत्र फरवरी मार्च महीने में बजट सत्र के तौर पर आयोजित होगा। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बोलने खड़े हुए तो उनके निशाने पर भाजपा थी। इसके अलावा बता दें, 4 विधेयक जो है संशोधन हुए हैं। इनमें विधानसभा ने इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। इनमें कुलपति की अधिकतम आयु सीमा 70 साल तक करने का प्रावधान किया गया। तो वही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है। इसके जरिए सरकार ने आयोग में उपाध्यक्ष का पद सृजित किया है। इसके अलावा विधानसभा में बुधवार को माल एवं सेवा कर यानी कि GST संशोधन विधेयक भी पारित किया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा अब चुनावी मुद्दा हो गया है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस नेता आपस में जुटे हुए थे, जो कि आपस में ही भिड़ गए। धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे को उंगलियां भी दिखाई गई। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आवंटित 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य वापस ले लिया है। इसके बाद से ये मामला छत्तीसगढ़ में चुनावी हो चला है। नगरीय निकाय चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस नेता के आपस में भिड़ गए। सभी नेता निकाय चुनाव को लेकर कांकेर जिले में एक कार्यक्रम में जुटे हुए थे। इस दौरान दोनों दलों के नेताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। नेताओं ने एक दूसरे को उंगलियां दिखाई और जमकर नारेबाजी भी की। मामला नरहरपुर नगर पंचायत का है। नरहरपुर नगर पंचायत में 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है और इसे लेकर के शहर में एक सार्वजनिक सवाल जवाब कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें कांग्रेस, भाजपा, गोरवाना गणतंत्र पार्टी, निर्दलीय प्रत्याशियों व उनके समर्थक तथा नेताओं को आमंत्रित किया गया था। नगर विकास के मुद्दे को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे थे। इस दौरान ये सभी घटना हुई है। पड़ताल हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल सिटी बसें जो है बेमुद्दत बंद करी गई हैं, क्योंकि ऑपरेटरों ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार से मांगा है। नाराज निगम ने अंतिम नोटिस भी भेज दिया है। 21 महीने से राजधानी में खड़ी 67 सिटी बसों का किराया हाल ही में 25% तक बढ़ाया गया है और उम्मीदें जताई जा रही थी कि पंडरी बस स्टैंड से बाहर जाने के बाद सड़कों पर शहर से लोगों के लिए सिटी बसें शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब यह मामला बेमुद्दत फंस गया है। सिटी बस वालों की किराया बढ़ाने की मांग के बाद हर बस के लिए लगभग 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग आई तो नगर निगम इससे नाराज हो गया है। निगम कमिश्नर ने ऑपरेटर को बसें तुरंत शुरू करने का आखिरी नोटिस तो भेज दिया है, साथ ही साथ नए ऑपरेटर की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इस विवाद में सिटी बसें अगले 3-4 माह तक शुरू नहीं होने की आशंकाएं जताई जा रही है। यह आम शहर पर ऐसे प्रभाव डाल रहा है जैसे उसे अभी शहर के लिए नए बस टर्मिनल यानी कि रावाभाटा आने जाने के लिए 200 से 300 रुपए तक यहां पर खर्च करने पड़ रहे हैं। यह खर्च सिटी बसें चालू रहने से महज 25 से 30 रुपए से अधिक नहीं होता। कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी में सिटी बसें 22 मार्च 2020 से बंद कर दी गई है। छोटी बड़ी बसों को मिलाकर सिटी बसों की संख्या कुल मिलाकर 67 है, जिनमें से ज्यादातर छोटी और कुछ बड़ी भी हैं। कोरोना के हालात नॉर्मल है और परिवहन विभाग के लगभग सभी साधन शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन सिटी बसें अब तक बंद है। सभी बसें सरकारी हैं, लेकिन नगर निगम इनका संचालन एक कंपनी बनाकर निजी ऑपरेटर से करवा रहा है। छत्तीसगढ़ या फिर आंदोलनगढ़, आप हमारे राज्य को नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक, आंगनबाड़ी कर्मी, स्व सहायता समूह, पशुपालन कर्मी सभी हड़ताल पर हैं। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी इन दिनों आंदोलनों की राजधानी बन गई है, क्योंकि शिक्षकों का संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है। तो अल्प मानदेय में आजीविका चलाने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों ने राजधानी रायपुर में डेरा जमा रखा है। इतना ही नहीं, रेडी टू ईट के काम से जुड़ी महिलाएं, पशुपालन विभाग के कर्मचारी आदि तमाम
यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर इन दिनों बहुतायत में ग्रामीण क्षेत्रों से आई भीड़ देखने को मिल रही है। वजह है कई संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशनों का हड़ताल फिलहाल चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम गाँव कस्बा शहर के लोग इन दिनों राजधानी पहुँच रहे हैं। सहायक शिक्षकों ने जहाँ अपना वेतन संबंधी मांगों को लेकर तगड़ा प्रदर्शन जारी रखा है, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपने नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल को गति दे दी है। इधर रेडी टू ईट को लेकर विधानसभा में कोई बात नहीं बनी, लिहाजा इस काम से जुड़े संगठन और महिलाएं भी आंदोलित ही हैं। आंदोलित यहां पर जानकारी मिली है कि पशुपालन विभाग के काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं और राजधानी में धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग में कार्य करने वाले प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता गौ सेवक मैत्री का रायपुर के बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 12वां दिन रहा। कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन करवाया। प्रदेश के प्रायः सभी जिले से आंदोलनकारी यहां पहुंचे हुए हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर रात में अच्छी ठंड के आसार दिख रहे हैं। सरगुजा समेत पहाड़ों में कड़ाके की सर्दी, तो वहीं रात का पारा 8 डिग्री के तकरीबन करीब पहुँच गया है। सरगुजा संभाग के कई इलाके खासकर वन क्षेत्र और पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। अंबिकापुर से कोरिया तक रात का तापमान 8 से 10 डिग्री के तकरीबन करीब आ गया है। राजधानी में तापमान 15 डिग्री के ऊपर है, लेकिन आउटर यानी कि लाभांडी में 11 डिग्री तक उतर गया है। वहीं बस्तर में अगले 24 घंटे के दरमियान रात की ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में प्रदेश का बड़ा हिस्सा कड़ाके की सर्दी की चपेट में आ सकता है और पहाड़ों पर ओस जमने के आसार हैं। जवाद चक्रवात का असर खत्म होने के बाद से प्रदेश में मौसम शुष्क है और अधिकांश हिस्से धीरे धीरे उत्तर से आने वाली ठंडी हवा की चपेट में आ रहे हैं। इस कारण से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान कोरिया में 8 डिग्री से कुछ अधिक रहा, जबकि अंबिकापुर का तापमान 9.9, डूमर बहार में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि प्रदेश में अभी भी कहीं पर शीतलहर की स्थिति नहीं है। जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या फिर इससे नीचे हो जाए और यह सामान्य से 5 डिग्री कम हो, तो मौसम विभाग शीतलहर की घोषणा करता है। 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। प्राइवेट कंपनियां यहां पर भर्तियां करने वाली हैं। जिला प्रशासन को आज के दिन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने वाला है। छोटे बिजनेसेस के लिए लोन भी यहां पर आप लोगों को मिल सकता है। रायपुर का जिला प्रशासन आज के दिन बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप लगा रहा है। इसमें प्राइवेट कंपनियों में नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखने वालों को बिजनेस के लिए लोन की स्कीम देने के लिए भी योजना शुरू की गई है। प्लेसमेंट कैंप के बारे में अफसरों ने बताया है कि 16 दिसंबर गुरुवार को सुबह 11 बजे शाम 4 बजे तक इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप पुराने पुलिस मुख्यालय कैंपस में जिला रोजगार कार्यालय में होगा। यहां प्राइवेट कंपनियों की तरफ से 45 पदों पर भर्तियां की जानी है। 10वीं पास कैंडिडेट प्लेसमेंट कैंप के इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कैंडिडेट को यहां बायोडाटा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 10वीं की मार्कशीट, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ पहुँचना होगा। दुर्ग में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिले के 170 वार्डों के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यहां पर बैठक संपन्न की है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बुधवार को दुर्ग जिले में चल रहे निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। भिलाई नगर निगम के सभागार में बैठक लेते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से निर्भीक होकर कर सकें, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। बैठक में उसको प्रमुखता से लिया गया है। आम मतदाता को कोई भी तकलीफ ना हो और अपना नाम भूलने और मतदान केंद्र की पहचान करने में इसका विशेष ध्यान रखा गया है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एसएन भूरे सहित नगर निगम भिलाई रिसाली और भिलाई 3-14 साथ ही साथ नगर पालिका जामुल के रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को निष्पक्ष और बेहतर चुनाव करवाने के निर्देश जारी किए हैं। और अब एक अच्छी खबर यहाँ पर ये आ रही है, ट्रेनों में लगे सैटेलाइट आधारित डिवाइस। दुर्ग से चलने वाली कुल मिलाकर 43 ट्रेनों में तो इसरो की मदद से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाया गया है। सही लोकेशन अब ट्रेनों को मिल सकती है। दरअसल बता दें, दुर्ग के 43 तो वहीं रायपुर रेल मंडल के 93 इंजनों समेत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 106 इंजनों में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि RTES लगाया गया है। इससे यात्रियों के ट्रेनों के लोकेशन की सटीक जानकारी मिल सकेगी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की सहायता से सैटेलाइट आधारित डिवाइस से ट्रेनों के इंजनों को जोड़ा गया है। इससे ट्रेनों के रनिंग कंडीशन की जानकारी मिल सकेगी। इससे यात्रियों को ट्रेन के स्टेशन में आने की सही जानकारी मिल सकेगी। उन्हें लंबे समय तक ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ट्रेनों के विलंब होने का कारण भी पता चल सकेगा। दरअसल सैटेलाइट से ये जो है सीधे ऑपरेट होने वाला है। दरअसल इसरो ने सैटेलाइट आधारित डिवाइस रेल इंजनों में लगाया हुआ है। यह जीपीएस के आधार पर ट्रेनों की गति को पढ़कर अपडेट जारी करती है। सैटेलाइट के जरिए ट्रेनों की ट्रैकिंग के लिए इंजनों में फिट की गई ये डिवाइस सैटेलाइट तक सूचनाएं पहुंचाती है। इसके जरिए ट्रेनों की एक एक पल यानी कि एक एक सेकंड की लोकेशन सिस्टम में ऑटोमेटिक फीड होते रहते हैं और इससे लाइव रियल टाइम लोकेशन का पता चल जाता है। इससे पहले जो तकनीक इस्तेमाल की जाती थी उसमें महज स्टेशनों में जब कोई जो यहाँ पर ट्रेन है वो आ जाती थी तो उसका अपडेट रेलवे जारी करती थी, लेकिन इसकी वजह से अब एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। आंकड़ों से जो है मौतों का आंकड़ा सामने आया है, मौतों का सच सामने आया है। दरअसल बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण से मौतों के सरकारी रिकॉर्ड में महज 13,594 रिकॉर्ड सम्मिलित हैं, लेकिन अभी तक इनसे जो मुआवजे के लिए आवेदन है वो आ गए हैं 18,725 आवेदन। दरअसल बात करें कोरोना मौतें सरकारी आंकड़ों से ज़्यादा हैं, इस सच का पता कोरोना मुआवजे के आवेदनों से हुआ है। पूरे प्रदेश में कोरोना मृत्यु के लिए मुआवजे के अब तक आए आवेदनों की संख्या 18,725 जा पहुंची है, जो कोविड मौतों के सरकारी आंकड़ों से 5,131 अधिक है। 11 दिसंबर तक प्रदेश में 18,725 कोरोना मृत्यु मुआवजे के लिए आवेदन आए हैं, जिनमें से तकरीबन 11,500 अधिक प्रकरणों में मुआवजे राशि 50,000 प्रति केस के हिसाब से 57,50,00,000 रुपए वितरित की जा चुकी है। पूरे कोरोना काल में सर्वाधिक मौत वाले जिले रायपुर और दुर्ग में लगभग 8,094 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, तो राजनांदगांव जिले में 1,300 से अधिक आवेदन आए हैं। पड़ताल में रायपुर में कोरोना मौत के आंकड़े और आवेदन में 953, तो वही दुर्ग में 2,197 और राजनांदगांव में 784 से अधिक का अंतर आ रहा है। आवेदन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, यानी ये फासला अभी और बढ़ सकता है। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी आप इस आंकड़े के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। रेडी टू ईट पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। काम रोको प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया। सरकार ने कहा वह इसी वक्त चर्चा को तैयार है। हंगामे से कार्यवाही भी स्थगित की गई है। दरअसल रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों का काम महिला स्व सहायता समूहों से लेकर कृषि एवं बीज विकास निगम को देने के सरकार के फैसले पर विधानसभा में बवाल हो गया। शून्यकाल में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा कराने की मांग की। जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि इस वक्त चर्चा के लिए तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष ने 3 बजे से इस चर्चा पर समय का निर्धारित तय किया, लेकिन इसके बाद से विवाद होता रहा। बाद में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने रेडी टू ईट का मुद्दा उठाया। विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरकार के इस फैसले की वजह से प्रदेश के तकरीबन 20,000 महिला स्व सहायता समूह प्रभावित हुए हैं। इन समूहों में रेडी टू ईट बनता था। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों के कर्ज माफी की बात की थी, आज उनसे ही काम छीन लिया गया। क्या सरकार इसी छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कर रही थी? छत्तीसगढ़ की बहू बनी है एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे। बिलासपुर के कारोबारी विक्की जैन संग लिए हैं 7 फेरे, शहर के लोग भी बने हैं साक्षी। दरअसल चर्चित टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की बहू बन गई। उनकी शादी शहर के बड़े कारोबारियों में से एक विक्की जैन के साथ हुई है। इनकी शादी को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और अब लोग बेसब्री से इस परिणय बेला का इंतजार कर रहे थे। मुंबई में आयोजित इस वैवाहिक समारोह में शहर विधायक के साथ ही कारोबारी भी शामिल हुए। मुंबई के एक होटल में दोनों की शादी हुई। इससे पहले ही सोमवार को दोनों की रिंग सेरेमनी आयोजित हो चुकी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल भी चल रही हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पुरेंद्रेश्वरी, नवीन, रमन और साय जो है यहां पर वोट मांगने के लिए मैदानी स्तर पर उतरने वाले हैं। दरअसल जैसे जैसे चुनाव की तारीख तकरीबन करीब आती जा रही है, प्रचार भी अब जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ स्वयं घर घर प्रचार एवं अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे थे। पार्टी के स्थानीय बड़े नेता प्रेम प्रकाश पांडे, विद्यारतन भसीन, राकेश पांडे सहित
आदि की बैठकें लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठित व प्रोत्साहित कर रहे थे। अब खुले प्रचार के लिए बचे 4 दिनों में पार्टी अपना पूरा जोर लगाएगी। इसके लिए मंगलवार को स्टार प्रचारकों की 5 बड़ी सभाएं आयोजित करने की योजना बनाई गई है। दरअसल सभा को भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विश्वदेव साय संबोधित करेंगे। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट के सीधे रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।